Yes, good morning students. Last time हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन, ठीक है ना। फर्स्टली ये ना विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए बोर्ड पर अच्छे मार्क्स ले गया है, अच्छे अच्छे नंबर आए हमारे सबके, सब अच्छे नंबर से पास हो जाए आप लोग, ठीक है ना। रिव्यू करना है फिर आते हैं, देखिए जिस चैप्टर से ज़्यादा आना है उस चैप्टर को टेक्स देंगे। इसमें से मैक्सिमम आपको 3-5 मार्क्स का बोर्ड में आएंगे। मनी एंड क्रेडिट पढ़ना है, मनी एंड क्रेडिट। देखो आपको पता ही है कि इंसान क्या चीज़ है, इंसान एक हंटर है, शिकारी है। मीन्स वो बहुत सारा एग्रीकल्चर करता है, प्रोडक्शन करता है, जितना ह्यूमन रिसोर्स कौन है, मैन है। इतना आपका लैंड है, एग्रीकल्चर है, सब कौन यूज कर रहा है, मैन कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो देखिए मनी का क्या फॉर्म है, मनी जो है जिस चीज को हम अर्न करते हैं, इसके लिए अपने जो है एक्सपेंडिचर के लिए, खर्च के लिए जो हम यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, मनी को यूज करते हैं। तो इसमें पहले क्या था, पहले तो लोग खर्चे करते थे, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले मनी नहीं थी, प्रिंट मनी कम थी। बार्टर सिस्टम गाँव में जो है इंटरनल एरिया में ज्यादा चलता था, एक चलता बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्या होता है ये, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान को एक्सचेंज करना, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। सपोज कीजिए कि अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बार्टर सिस्टम, देखिए दो टाइप का, एक तो बार्टर सिस्टम था सिंपल, अगर मान ली किसी चीज के बदले लेना है, मान ली किसी को सूट चाहिए, उसके पास सूट है, लेकिन एक के पास चावल है, वो कहते हैं मेरे चावल ले लो सूज दे दो। तो जिसको चावल चाहिए उसे सूज ले चाहिए। तो इसके लिए क्या है, डबल कॉन्फिडेंस था। क्या था ये, डबल कॉन्फिडेंस। डबल कॉन्फिडेंस मीन्स, डबल कॉन्फिडेंस बोले तो कि दोनों को जो है एग्री होना था, दोनों को समान पक्के करने के लिए एग्री होना कंपल्सरी था। जिसको माने सूट चाहिए उसको चावल जब देने होते थे लेना इस तरह से। अब माने मेरे पास सपोज कीजिए मेरे पास सूट है, मेरे अपने जूते बेचते हैं, लेकिन मेरे पास चावल नहीं चाहिए, सामने वाले पास चावल है, तीसरे वाले पास गुड़ है, वो कहता है मैं गुड़ बेचना चाहता हूँ, मेरे को गुड़ चाहिए लेकिन उसे जूते नहीं चाहिए। डबल कॉन्फिडेंस हो गया ना, कहने मैं गुड़ को दे सकता हूँ पर मुझे सूज नहीं चाहिए, सूज नहीं चाहिए, चावल वालों को चाहिए। तो बड़ा मुश्किल था बार्टर सिस्टम में, इससे जो है बड़ा मुश्किल काम होता, बिजनेस नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें डबल कॉन्फिडेंस हुआ था इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए, और नॉर्थ इंडिया में अभी आज भी शुगर केन ही होता है, गन्ना ही होता है। क्या होता है, शुगर केन, ठीक है ना। ये तो पंजाब हरियाणा में जो है HYB जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इफेक्ट पड़ा है, वहाँ पड़ा है, पंजाब हरियाणा में ज्यादा पड़ा है। और हमारे यहाँ पे गेहूँ होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, पंजाब हरियाणा सारा गेहूँ गेहूँ होता है। लेकिन जब 1965 में आए थे, चलते चलते 1990 तक भी देखें, वेस्ट यूपी में अगर आप देखें 1985 में 1990 में क्या होता था, पहले किसी यहाँ गेहूँ आ गया तो मेहमान के लिए गेहूँ की रोटी बनती थी। क्या बनती थी, गेहूँ की रोटी, बाकी लोगों के लिए बाजरे की रोटी, मक्की रोटी बनती थी। तो जब मेहमान के लिए गेहूँ की रोटी बनती थी तो क्या करते थे, पड़ोस के मांगने आते थे कि गेहूँ का आटा दे दीजिए। जो गेहूँ का आटा मांगा उसके बदले उसको मक्की का आटा दिया, चने का आटा दिया जाता। आज चने का आटा महंगा है, 70 रुपीज के जी है, 80 रुपीज के जी। गेहूँ का आटा कितना, 25 रुपये किलो है, ठीक है ना। वो पहले गए चने का आटा वैसे दे दें, आप चने का आटा ले लीजिए, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये भी एक पार्टनर सिस्टम था कि आपने गेहूँ का आटा लिया, उसके बदले मक्की का आटा वापस कर दिया, चने का आटा वापस कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट सिस्टम था, मार्केट सिस्टम में डबल कॉन्फिडेंस था। डबल कॉन्फिडेंस बोले तो डबल कॉन्फिडेंस बोलो में दोनों को एग्री होना पड़ता था सामान उसके लिए, इस सामान बेचने के लिए, सामान परचेज करने के लिए। इसे कहते थे बार्टर सिस्टम का डबल कॉन्फिडेंस कहते थे, ठीक है ना। फिर क्या आया हमारे पास, मनी फॉर्म आई, मनी की फॉर्म आई, मनी मनी की आई, एक तो कॉइन में, एक इसमें आई नोट्स में आई है, नोट में रुपये जिसे बोलते हैं प्रिंट में, और एक आई है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म का मनी का आपका वो हुआ है, ठीक है ना। कॉइन साहब पता है सिक्के होते हैं, नोट साहब पता है 10 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़। आपने सामान खरीदा है, एक चीज की वैल्यू तय होगी 25 रुपीज के जी आता है, तो आप 25 रुपीज दीजिए, कॉइन दीजिए 25, और 25 की फॉर्म चाहिए कॉइन, तो उसको मिला करके क्या होता है, मनी की फॉर्म होगी। डिमांड डिपॉजिट में चलती है, बैंक में चलती है, जैसे चलता है ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट में क्या होता है, ये चेक करेगा, चेक चेक से जो है आप जो है पैसे वो सामान ले सकते हैं, ड्राफ्ट जो है सामान ले सकते हैं,
दिस इज द फॉर्म ऑफ मनी, एक फॉर्म ऑफ क्या है, मनी है। देखिए हमारे पास डिमांड रिपोर्ट आया, डिमांड रिपोर्ट का हुआ चेक से, या फिर डिमांड रिपोर्ट दिया होता है चेक से होगा, ड्राफ्ट से होगा। अब ये ड्राफ्ट क्या चीज है, ये भी एक चेक टाइप का होता है। आपने किया कि आपको 10 लाख रुपए ले जाने हैं, 10 लाख रुपए ले लेने हैं, ये ना 10 लाख रुपए का आपने क्या अपना ड्राफ्ट बना दिया। अब 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, आपको चोर सोचना है, आप बैंक में गए 10 लाख रुपए पे आपने चार्ज दिया और ये ड्राफ्ट बना लिया, स्पोर्ट अपना चेक के बराबर पेपर होगा, उसको आप कहीं भी ले सकते हैं, जहां पर जान जाएंगे वहां से कैश हो सकता है। ये डिमांड रिपोर्ट क्या आता है, ड्राफ्ट में आ जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास क्या आता है, अब आता है क्रेडिट। क्रेडिट में क्या होता है, उधार लेना, उधार देना, यार भाई उधार लेता है, इंसान लेता है, जो ब्याज जो चलेगा उसको बोले क्रेडिट बोले। अब क्रेडिट सिस्टम क्या है, क्रेडिट में देखिए बैंक ने क्या किया, बैंक आपसे क्या कराता है, बैंक बैंक के बारे में देखिए, बैंक आपसे कराया डिपोजिट, बैंक आपसे क्या कराएगा डिपोजिट, उसके बदले आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, और इसी पैसे को क्या करता है, वहां जो है अप्लाई कर देता है, ठीक है ना, इसको लोन पे देता है, वहां से क्या करेगा इंटरेस्ट लेगा, वो कौन ले रहा है, बैंक। आपका इंटरेस्ट कितना मिलता है आज के डेट में, करंट डेट में 3550% सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, यानी अगर आपने जो है 100 रुपये जमा किए हैं तो आपको 3.50% मिलेगा। अगर ये बैंक इसको लोन देता है, लोन देता है तो ये कितना लेता है, 8-14% कमीशन लेता है, यानी आपको कितना दे रहा है 3.5%। यहाँ से देखने वाला है 8-14 रुपीज तक, जो बीच की इनकम है 4.5-5 रुपीज जो है ये यही बैंक की इनकम होती है, ठीक है ना। बहुत पैसे जो है इसको बैंक का मतलब है बैंक में डिपोजिट करना, बैंक से विड्रॉ करना, पैसे निकालना, पैसा आपका सेव रहता है, ये चीज़ें हैं, ये बैंक की क्या है, वर्किंग क्या है, ठीक है ना। ये बैंक में क्या आ जाएगा, डिमांड डिपोजिट इसको काम करना है, ओके ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, क्रेडिट जो है, क्रेडिट हमने क्रेडिट उधार लेने के बाद किया, लोन ले लिया आपने, अब क्रेडिट के क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक जो है आपको लोन फ्री में नहीं देता, बैंक आपको लोन फ्री में नहीं देता है, बैंक क्या करता है, बैंक उसके बदले आपके प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ रख पाएगा, मॉर्गेज करेगा, गिरवी रख पाएगा, तो ये जो है उसके आपको पैसे मिला बिजनेस करने के लिए, लोन से आप बिजनेस करके डिसएडवांटेज ये है कि बैंक जब लोन देगा तो फ्री में नहीं देगा, वो क्या करता है आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है, आपको गिरवी रखना है तब जाके आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, ये इससे क्या कहते हैं डिसएडवांटेज। अब जो लोन क्या होता है, लोन देखिए आप क्या लेंगे, लोन एक तो लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से और इनफॉर्मल, फॉर्मल में कौन आता है, जो फॉर्मेलिटी को लेकर बैंक, इनफॉर्मल में आपको रिलेटिव होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट आपको लोन देते हैं, फॉर्मल वाले जो होते हैं कम यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बैंक से लोन लेना चाहिए, क्योंकि बैंक में जो इंटरेस्ट होता है वो पर एनम का होता है, एक साल का होता है, और जो रिश्तेदार वगैरह लेते हैं वो लेते हैं पर मंथ लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आगे आज के इतना ही है, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।